हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और अपना दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी एक्शन मोड में दिखे। सीएम सैनी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पहली बार कैबिनेट बैठक में धड़ाधड़ फैसले लिया। उन्होंने इस बैठक में क्या और कैसे फैसले लिए, उन्होंने इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में मीडिया को दी। प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा, तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं। क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपए का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है, लगभग 20 से 25,000 रुपए महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी, ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है। जैसा मैंने कहा है कि हमारा जब मैंने ये फैसला लिया डायलिसिस का, उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक के अंदर, ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है, जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित रहेगी, अन्नदाता के विकास और समृद्धि के लिए काम करेगी तथा नारी शक्ति को और मजबूत करने का काम करेगी। मैं एक बार फिर से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें। नहीं तो सुधार हम कर देंगे, पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बढ़े, ये हमारी भावना है। गति से प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूं, इसलिए बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है। और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है सब्सिडी के ऊपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका रोजगार का साधन खड़ा हो रहा है। हमारा किसान बहुत ज्यादा प्रबुद्ध जन है और वो ऐसे नहीं। हमने क्या क्या काम किए हैं हमारे पास, क्योंकि किसानों को जागरूक करने के लिए, और मुझे ये खुशी है, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं कि हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो सहज अक्षर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे शिक्षक साहब अवगत कराएंगे।